हेलो स्टूडेंट, चलो अप्लाई मैकेनिक्स का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो है, जल्द से देखते हैं इसको। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स का। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। द फोर्स पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, जो एक पॉइंट से निकलती है फोर्स, उसको कॉन्कुरेंट कहते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमेशा लेस देन होता है 90 डिग्री से, कभी बड़ा नहीं हो सकता। द विच इफेक्ट ऑफ फोर्स इज मूवमेंट, टर्निंग इफेक्ट जो घुमाने के काम आता है। द एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक में भी इंक्रीज्ड, एफिशिएंसी स्क्रू जैक की पिच को अगर बढ़ा दोगे तो बढ़ जाएगी, यानी इंक्रीज आएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सॉलिड बॉडी के लिए यूज होते हैं, सॉलिड आएगा यहाँ पर, सॉलिड ओनली। अगर सेंट्रॉइड आता तो फिर हम वो सॉलिड नहीं बोलते, उनको लेमिना कहते हैं, ठीक है। एक्सिस पासिंग टू द सेंट्रॉइडल एक्सिस, उसको सेंट्रॉइडल, सेंट्रॉइडल पूरा लिखना है। एक्सिस रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो मैकेनिकल आइडल मशीन में वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज दोनों बराबर होते हैं, तो एफिशिएंसी वन आती है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वैसे हमारे को मालूम है फ्रिक्शन इज म्यू आर, तो म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। द यूनिट ऑफ मूवमेंट जो है, मूवमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी न्यूटन मीटर हो गया। कपल कैन नॉट बी रिप्लेस बाय सिंगल फोर्स, कपल को एटलीस्ट दो फोर्स चाहिए, सिंगल से रिप्लेस नहीं हो सकती। इरिवर्सिबल मशीन वो होती है जिसकी एफिशिएंसी लेस देन 50% हो। अगर सेल्फ लॉकिंग और रिवर्सिबल एक बात है, दूसरी आती तो जैसे रिवर्सिबल आती तो उसकी एफिशिएंसी ग्रेटर देन 50% होती। तो 1 किलोग्राम 9.8 न्यूटन है, इसको किलोग्राम फोर्स बोलें, किलोग्राम बोलें, केजी वेट बोलें, 9.8 न्यूटन ही आएगा। एफिशिएंसी इंक्रीज होती है लोड के बढ़ाने से, जैसे ये एफिशिएंसी का सिंबल, अगर मैंने लोड बढ़ा दिया तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट होती है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रॉइड की बात करें तो ये प्लेन लैमिना के लिए नहीं होती, ये प्लेन लैमिना के लिए होती है सेंट्रॉइड, तो ये सॉलिड बॉडी के लिए होती है। मेन डिफरेंस यही है, इसमें हम स्फेयर बोल देते हैं, इसमें हम प्लेन लैमिना में सर्कल बोल देते हैं। रिजिड बॉडी वो होती है, जैसे ये बॉडी बनाई हुई है मैंने, ए और बी में फोर्स देने के पहले और फोर्स देने के बाद अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होता, रिजिड बॉडी है। ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेज में हम बेसिकली, मैं बताता हूँ, ये बनाया हुआ है, ये पी है और ये क्यू है, ये सेम ऑर्डर में है, दोनों का ऑर्डर आने जाने का सेम है, बंदा यहाँ से चला यहाँ पर पहुँच गया, लेकिन आर का ऑर्डर अपोजिट होएगा, तो हमारे को ये कह सकते हैं दिस इज हमारे बेसिकली ट्राइंगल लॉ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने सेंट्रॉइड की वैल्यू पूछी हुई है, जैसे सी जी ऑफ स्फेयर कोन एंड सिलेंडर तीन की, तो स्फेयर तो सेंटर पर ही होता है, तो जो हेमिस्फेयर है तो वैसे पूछा नहीं है, याद कर लेना 3/8। कौन पूछा है, कौन भरा है, तो H/4, अगर खाली है तो H/3 है, भरा ही पूछा उसने। सिलेंडर बहुत बढ़िया चीज़ है, खाली भरा दोनों ही H/2 होते हैं, ठीक है। चलो सर समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं हम। तो उसके बाद आ गया CG, हो गया मूवमेंट ऑफ सेंटर, मूवमेंट आर्म, मूवमेंट ऑफ कपल। तो मूवमेंट सेंटर, जहाँ से किसी चीज़ को हम घुमाते हैं, तो जैसे ये हमारा मूवमेंट का सेंटर है, ये मूवमेंट की फोर्स है, और मूवमेंट कपल है, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर समझ में आ गया, बहुत जल्दी बढ़ा रहे हैं सर, कोई बात नहीं। तो डिफाइन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज अ रिटार्डिंग फोर्स विच एक्ट व्हेन टू बॉडीज आर इन रिलेटिव मोशन। मेरिट्स है भाई, मेरिट्स ब्रेक लगाने के काम आती है, क्लच में पावर ट्रांसमिशन के, बेल्ट पुली ड्राइव में पावर ट्रांसमिशन के काम आती है, किसी चीज़ को होल्डिंग करने के लिए, राइटिंग के लिए फ्रिक्शन काम आती है। डीमेरिट्स हैं वियरिंग एंड टीयरिंग एंड लॉस इन पावर एंड एनर्जी। एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में बिल्कुल सिंपल रिलेशन है, क्या रिलेशन बनाना है इनमें, दो लाइन का रिलेशन है ये। एफिशिएंसी होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल लोड अपॉन एफर्ट, वाई बाय एक्स। अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर, एफिशिएंसी होता है आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट ओवर इनपुट। तो जो हमारा आउटपुट होता है वो क्या होता है सर, आउटपुट होता है लोड इनटू डिस्टेंस डिवाइड बाय लोड। इनपुट होता है हमारा जो हमने काम किया, यानी एफर्ट लगाया और डिस्टेंस बाय एफर्ट, ये हमारा आया मैकेनिकल एडवांटेज, और वाई बाय एक्स जो है वो वेलोसिटी रेशियो आ गया, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना ही कर लीजिए, आज के लिए काफ़ी है।